हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोग का RLY ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, जिसकी तो इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर में से आप लोग चालक जानते हैं, और इलेक्ट्रिक का मतलब आप विद्युत, स्थितिज का पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऊर्जा, चार्ज मतलब आपको आवेशित किया गया है। दोस्तों, आपको यह टॉपिक बताने से पहले आप लोग को एक छोटी सी शर्त है कि दोस्तों, आप लोगों में से जो विद्यार्थी इस चैनल में नए होंगे वो विद्यार्थी इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उनका हर वीडियो हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, चलिए आपको अपना टॉपिक कहते हैं। तो आपका दोस्तों यही है, आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है? तो आप एकदम सिंपल सा डिफिनेशन बताओगे दोस्तों, किसी किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की या उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। आप दोस्तों कोई भी आप चालक ले लेते हैं, उसको आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे दोस्तों आपको सिंपल सी बात यहाँ से ले लेते हैं, कोई आपको यहाँ पर जैसे लेते हैं, कोई यही चालक पदार्थ लेते हैं, यही कोई आपका क्या है, चालक पदार्थ है। इसको आपको चालक तो है, लेकिन ये शुरू में कैसा रहेगा, आवेश रहित है। शुरू में कैसा रहेगा, आवेश रहित है, मतलब ये चार्ज नहीं है। तो इसको आवेशित करने में हमें मतलब जो चार्ज लगाना होगा, यहाँ अगर कोई बगल में आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में आवेश को, इस चार्ज धनावेश ऋणावेश करने में जो कार्य करना पड़ता है, वही जो कार्य किया जाएगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, या वही कार्य स्थितिज ऊर्जा संचित कहलाता है। दोस्तों, अब यहाँ से एक बात आती है, जैसे आपको शुरू में जो चालक हमने लिया था, जो चालक शुरू में था ये आवेश रहित है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं लिया गया है। और शुरू में जब कोई आवेश नहीं है, इस पर आवेश रहित है, तो इसका विभव भी क्या होगा, शुरू में विभव भी इसका शुरू में प्रारंभिक विभव V1 बराबर मान लेते हैं, क्या होगा, शुरू में विभव 0 होगा। यदि इसी चालक को +Q आवेश दे देते हैं, तो हम मान लेते हैं जो इसका विभव होगा वो बढ़ के कितना हो जाता है, V2 बराबर मान लेंगे V, इसका जो विभव होगा वो बढ़ के कितना हो जाता है V। मतलब सिंपल सी बात है, यदि आपको कोई चालक पदार्थ लिया गया है शुरू में आवेश रहित है, मतलब कोई आवेश नहीं रहेगा, तो उसका जो प्रारंभ में विभव होगा 0 होगा। और यदि उसको +Q आवेश देते हैं, तो उसका विभव 0 से बढ़ के कितना आता है V। जैसे सिंपल से आपके एक हम बात बताते हैं दोस्तों, जैसे अगर आपने मोबाइल चार्ज पे लगाया, आपका मोबाइल 0% चार्ज है, तो जब आपने शुरू में आपको चार्ज पे आपने लगाया था मोबाइल, जब शुरू में चार्ज पे लगाएंगे तो आपको कितने परसेंट पे रहती है, 0% पे रहती है। जैसे जैसे मतलब आवेश बढ़ाने का मतलब होता है धारा, धारा आवेश चालक पदार्थ का मतलब क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह होता है, चालक का मतलब धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो गया, आपको चालक पदार्थ कहते हैं। इसमें आवेश बढ़ाने का मतलब धारा जैसे जैसे बढ़ेगी आपका जो विभव होता है वो बढ़ता जाता है। पहले बैटरी आपका 1% होगा, फिर 2, फिर बढ़ते बढ़ते पूरा कितना रहता है, धीरे धीरे 100%, मतलब उसमें जितने ज्यादा धारा मिलती है उतनी ज्यादा धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। वही चीज आपको होता है यहाँ पर दोस्तों, शुरू में जो आपको चालक पदार्थ है उसका विभव कितना मान लेते हैं, 0 है, और जबकि वो आवेश उसको देते हैं उसका विभव बढ़ के मानते कितना रहता है, V। जैसे आपको बताया ना, मोबाइल चार्ज आप करते हैं शुरू में 0% रहता है, इसलिए उसका विभव जब 0 है तो विभव कुछ नहीं होगा, 0 होगा, कोई चार्ज नहीं। जैसे जैसे आपको धारा का मान बढ़ाते हैं, मतलब आवेश बढ़ाता है, उसका विभव बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो आपको चाहिए दोस्तों, आपको एक मुझे राइट किया कुछ है, माना किसी चालक का प्रारंभ में विभव 0 है, तथा उसे +Q आवेश देने पर उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। इसी को लिख देते हैं, अर्थात अर्थात V1 बराबर 0 और V2 बराबर क्या मान लेते हैं, V ले लेते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज जानना होगा दोस्तों, आपको औसत विभव क्या होता है ना। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं, चालक का औसत विभव, चालक का औसत विभव, औसत विभव बराबर V1 प्लस V2 अपॉन कितना आएगा, 2। तो
तो इसका v1 का मान कितना है? जीरो, और v2 का मान v/2, जिसका हो जाएगा v/2। अब देखिए दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब एक तरीके से आपका समांतर माध्य, या फिर आप लोगों ने माध्य पढ़ा है, तो जितनी संख्या होती है, जैसे आपको 0, 1, 2, 5, 8, 9 इतने का माध्य बोला जाता है। इन सबकी संख्या आप जोड़ लेंगे, चलिए इतने लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कई बार 5, सबको जोड़ के 5 से क्या कर देते हैं? भाग। तो आपको यहाँ पे औसत विभव वही किया गया है, जितना विभव था उन दोनों विभव को जोड़ देंगे, जितनी बार उसकी संख्या रहे उतने से हम क्या करते हैं? भाग। तो 2 बार विभव, 2 से भाग। अगर यहाँ पे 3 बार विभव होता तो v1 + v2 + v3 / कितना करते हैं हम? 3। 4 बार, 4 बार मतलब औसत का मतलब सबको जोड़ के उसकी जितनी संख्या होती है उसकी संख्या से हम क्या करते हैं? भाग। तो इतना आपको क्लियर हो गया औसत का मतलब क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, लिखते हैं विभव की परिभाषा से। इतना आपको क्लियर करते हैं यहां से, विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा से आपको दोस्तों फार्मूला क्या होता है? कार्य बराबर, यहां राइट कर देते हैं फार्मूला हम, कार्य बराबर औसत है विभव गुणे आवेश। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कार्य किससे व्यक्त करेंगे? W से। औसत विभव आप कितना है? v/2 है। आवेश कितना रहेगा? q, q आवेश दिया गया था। तो इस बगल में दोस्तों देखिए राइट करते हैं, यहां पर हो जाएगा w = v/2 × q। इस तरीके से आपको हो जाएगा w = 1/2 vq, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे राइट करेंगे, यही किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यही किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप है में संचित है होता है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? कार्य। स्थितिज ऊर्जा को यू से व्यक्त करते हैं, तो यू बराबर कितना हो जाएगा आपका? डब्ल्यू। तो W आपको इतना लिख देते हैं, तो u = w(1/2v)q। तो यहां से आपका तो पहला फार्मूला निकल के आता है। तो यहां तक क्लियर आपको हो गया होगा। देखिए आपको ये पहला फार्मूला निकल के आ गया है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आएगा कि यहाँ पर u होगा, ठीक है, u है ना। अब आप लोग एक धारिता का फार्मूला जानते हैं, बगल में देखिए यहाँ पे राइट कर देते हैं कुछ इसके स्थान पर। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे c = v/q/v, इसको इधर कर देंगे तो v = q/c। तो यहाँ v के स्थान पे कितना राइट कर देते हैं? q/c राइट करते हैं। फिर देखिए आपको एक बार और बनेगा कुछ, u = 1/2 v के स्थान पे q/c × q, इसका गुणा कर देंगे, u = q²/ कितना बन जाएगा? 2c। एक फार्मूला यहाँ से भी निकल के आ जाएगा, ये धारिता के फॉर्म में होगा और ये विभव और आवेश के फॉर्म में, ये आपको आवेश और धारिता के फॉर्म में स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, ठीक है, दूसरा आपको मिल गया। अब देखिए एक चीज और, यहाँ से एक फार्मूला और निकाल लेते हैं। यदि आप यहीं पे यहीं से ले लेते हैं, क्यू बराबर कितना रखने पर? क्यू बराबर यहीं पे रख देते हैं आप लोग, क्यू इज इक्वल टू इसको उधर कर देते हैं, v × c रखने पर, है ना, v × c रख देते हैं। तब आपको यहाँ पर क्या बन जाता है? देखिए धनंजय, यही बगल में हम राइट करते हैं थोड़ा से, यहाँ पर क्यू के स्थान पर राइट कर देते हैं, तो आपको बगल में यहाँ पे राइट कर देते हैं, बन जाएगा u = q का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा v² × c² / 2c। यहाँ से आपका एक एक घात कट जाएगा, स्क्वायर था ना, तो दोनों स्क्वायर हो गया, और यहाँ से आपका एक घात से पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आपको फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा? u = 1/2 cv². एक सी बचता था, इधर आ गया, तो आपको यहाँ से एक फार्मूला भी निकल के आता है, और आपको ये फार्मूला भी याद होना
तो चाहिए दोस्तों, इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, तो आप बताओ दोस्तों किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाता है। यहाँ से इसका हम डेरिवेशन या फार्मूला निकालने के लिए करेंगे, आपको समाकलन करने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल सा आपको फंडा है, हमने बताया ना, मान लेंगे, माना किसी चालक का विभव मतलब प्रारंभ में विभव शून्य विभव है। प्रारंभ में क्या, शुरू का मतलब प्रारंभ विभव शून्य है। चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव शून्य से बढ़कर वी हो जाता है। तो औसत यहाँ पे v1 बराबर 0, v2 बराबर 0, हमने बताया था आपको फिगर लेके कोई चालक, और यहाँ पे निकालेंगे चालक का औसत विभव v1 प्लस v2 अपॉन 2। औसत का मतलब जितना आपका होता है चालक के संख्या उतने जोड़ को संख्या से भाग, दुई बार तो दुई से दोनों जोड़ देंगे दुई से भाग, इतना आ गया। विभव की परिभाषा से तो आपको पता होगा कार्य बराबर औसत विभव गुणे आवेश। तो यहाँ पे फार्मूला रख दिया, और यही जो कार्य किया गया है वही जो कार्य आप किसके रूप में समझो, तो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे स्थिति ऊर्जा बराबर कार्य, स्थिति ऊर्जा किससे व्यक्त करते हैं, डब्ल्यू से, यू से, तो यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू का मान यहाँ आपको है तो 1/2 v × q, इतना पहला आ गया। अब यहीं पे दोस्तों वी के स्थान पे धारिता के फार्मूला से रख देंगे v = q/c, यहाँ पे रख देते हैं इसका, इसमें गुणा हो जाएगा तो u = q² / 2c। अब दोबारा क्या करते हैं, यही धारिता का फार्मूला लेंगे और q बराबर कितना रख देते हैं v × c, या c × v रखने पर मान रख देते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ तक आ जाएंगे u = 1/2 cv². दोस्तों आपको तीनों फार्मूला इम्पोर्टेंट है, आपको इससे क्वेश्चन लगाना होगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपको आज के लिए इस वीडियो में इतना रहेगा, धन्यवाद।